लोकसभा चूंटणी में पत्रकारों ने अन्याय ने लईने दाहोद जिला कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं। गुजरात राज्य पत्रकार एकता परिषद दाहोद जिला द्वारा लोकसभा की चूंटणी में पत्रकारों साथे थयेल अन्याय ने लईने दाहोद जिला कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं। लोकसभा की चूंटणी में मतदान दिवसे तेमज मतगणतरी दिवसे अपाता एंट्री पास बाबते अनेक वक्त तंत्र द्वारा रजूआत करवा छता यूट्यूब चैनल पत्रकारों ने रिपोर्टरो साथ अन्याय लईने पत्रकारों ने रोष की लागण व्यक्त की है। रिपोर्टर अजय सासी, वात्सल्यम समाचार, दाहोद। साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 7 तारीख के रोज चुनाव है और चुनावी माहौल हमारे दाहोद के अंदर है, पूरे देश भर में चल रहा है। तो सभी पत्रकार बंधु जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि हमको यहाँ से कार्ड बनकर नहीं दिया गया है, ताकि उस कार्ड के माध्यम से हमारी भी इच्छा थी, हम भी चाहते थे कि हम भी गाँव जाएँ, कवरेज करें। हालांकि हम कवरेज करने के लिए तो जा सकते हैं, परंतु जो चीज़ हमें और भी कवरेज करना था वो हक और अधिकार हमारे पास अभी नहीं है। इसके विषय में हमारे जो कि गुजरात पत्रकार एकता परिषद के दाहोद जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, वही आपको सारी जानकारी देंगे कि क्यों हमारा कार्ड नहीं बने। हालांकि जो पहले ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, 4-4 फोटो वो भी हमने दिए। इसके बाद जो हमारे कि भाई जो भी तुम्हारे तंत्री हो, जो एडिटर है, जो इंचार्ज है, जो भी आपके चैनल के उनके दिए, मैं खुद आरजे भारत न्यूज 7 का ओनर हूँ, मैंने भी अपने पत्रकारों के यहाँ जमा किया है और लीड इंडिया एसोसिएशन के साथ हमारी फ्रेंचाइजी है, सब आप अलग अलग चैनल के भाई यहाँ मौजूद है। तो उसके बाद हमें जानकारी दी गई, एक लिंक आई कि भाई लिंक के अंदर आप क्लिक करें और खुद यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरें, वो भी हमने भर दी, डिटेल्स भरी हमारे द्वारा। उसके बावजूद भी हमारे कार्ड नहीं आए, तो हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे कार्ड क्यों नहीं आए। हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्यों नहीं आए, पर हम इतना कहेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, ये हम सबको लग रहा है। भाई सही है ना, हमको ऐसा लग रहा है, हमारे सभी भाइयों को लग रहा है। तो अब हमारे जो प्रमुख है वो बताएंगे कि क्या है हकीकत और क्या सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा कार्ड, एक्रीडेशन जो कार्ड है, जिन जिनके एक्रीडेशन कार्ड थे केवल उन्हीं के कार्ड आए। तो मेरा सवाल ये है कि दाहोद जिले में कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके एक्रीडेशन कार्ड है, उनकी भी तपास होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। ये सत्य और हकीकत बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं आप यूट्यूबर हो भैया, हम छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो गांव-गांव हम जाते हैं और सत्य हकीकत दिखाने की कोशिश हम करते हैं। तो इस समय हमारे प्रमुख यहाँ खड़े हैं गुजरात एकता परिषद के, आइए उनसे हम वो बताएंगे। सर बताइए, दाहोद जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख योगेश भाई चौहान जी, कहीं माहिती अधिकारी जी एम कहे कि दाहोद जिला नी अंदर एक ट्रेडिशन कार्ड 6-7 जणाना छे, तो आ लोकोना 78 जणाना केवी रीतना जे चूंटणी क्याड केवी रीतना निकळे छे, અને એમ છે કે બધા આગળથી આવેલા વ્યક્તિ છે એમના નીકળેલા છે, આ શું ભેદભાવ નથી તો ત્યારે શું છે? આ એક તરફી જ હકીકતે ચૂંટણી કાર્ડ નીકળી રહ્યા છે, ચૂંટણી પાસ નીકળી રહ્યા છે। હમ ઇતના હી કહેના ચાહતે હૈ कि आज हमें बहुत दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे भी हक अधिकारों का खनन हो रहा है, ये हमें लग रहा है। तो हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी पत्रकार भाई बंधु के साथ नहीं होना चाहिए। कोई किसी हम क्योंकि कोई जाति धर्म भेदभाव या भाषा का भेदभाव ना रखते हुए हमें पत्रकारिता की गरिमा रखते हुए हम पत्रकारिता हमें करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन है वो सब के लिए होना चाहिए, उसमें ये चाहे वो बोले सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे टीवी चैनल वाले। तो मैं टीवी चैनल वाले भाइयों से भी मैं उनको कहता हूँ कि गांव-गांव तो ये हम छोटे पत्रकार जाते हैं, तो हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद।